अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? ये एक इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच का, जिसमें से एक स्पीशीज कमेंसल कहलाती है और दूसरी स्पीशीज होस्ट। जो कमेंसल स्पीशीज होती है वो बेनिफिट में होती है, और जो होस्ट होता है उसको तो ना कोई बेनिफिट होता है ना कोई नुकसान हो रहा होता है, तो ये हमारे लिए जीरो वाली कंडीशन क्रिएट करता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है रेमोरा फिश का शार्क के साथ। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये नीचे रेमोरा फिश लगी हुई है और ऊपर ये शार्क है। इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। ये देखिए, ये है रेमोरा फिश और ये अपने सकर्स की मदद से यहाँ पे चिपक जाती है बड़े ऑर्गेनिज्म पे, और उसमें भी ज्यादातर शार्क फिश होती है। ये इसकी है सकर प्लेट। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है आइए देखते हैं। जो इसके डॉर्सल फिन्स होते हैं, जो कि आपने शार्क में देखा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही फिन जो होता है वो जब ये डेवलप हो रही होती है मछली, तब इसके वेंट्रल साइड पे आके सकर प्लेट की तरह अरेंज हो जाते हैं। इसकी मदद से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाती है। अब कोई भी जो बड़े ऑर्गेनिज्म से, ज्यादातर कार्निवोरस होते हैं, जब ये फीड करते हैं या शिकार करते हैं अपने लिए, तो उसमें से बहुत सारे मांस के टुकड़े फट के इधर उधर गिरने लगते हैं, जिस पर ये जो है छोटी वाली फिशेस रेमोरा फिशेस फीड कर लेती हैं। इससे उन लोगों को न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन बड़ी फिश को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो होस्ट है और ये कमेंसल रिलेशनशिप है। अब आते हैं अगला है जैकॉल्स और आर्कटिक फॉक्सेस का रिलेशनशिप। ये किसके साथ होता है? ये होता है जो बड़े ऑर्गेनिज्म आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जैसे कि सी लायंस, वॉलरस हो गया और सील्स। ये लोग जब अपना शिकार करते हैं और बर्फ वाली जमीन पे ला के रखते हैं, उसको फीड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ये लोग छोड़ के भी चले जाते हैं उस डेड बॉडी में। तो ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं सील्स को या सी लायंस को, और उनके पीछे पीछे जाके फिर उस खाने को खा लेते हैं जब सी लायंस खा के चले जाते हैं। अब आते हैं बार्निकल्स और वेल के रिलेशनशिप पे। ये क्या होता है, ये यहां पे आप देख सकते हैं इन वेल्स के ऊपर छोटे छोटे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यही है बार्निकल्स। बार्निकल्स एक्चुअली में आर्थ्रोपोड्स होते हैं और ये वेल की बॉडी पे रहते हैं। ये यहां पे कैसे है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन ये जरूर पता लगा है कि ये यहाँ पे मेनली शेल्टर के लिए रहते हैं, है ना। इनको इसकी वजह से लोकोमोशन में भी ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है। तो वेल हमारे लिए यहाँ पे होस्ट है और बार्निकल्स कमेंसल ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट देख सकते हैं एपीफाइट्स पे है। ये देखिए, एपीफाइट्स में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स के प्लांट्स क्या करते हैं, जो दूसरे बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स या डाली पे बहुत हाइट पे जाके उगने लगते हैं, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है रूट्स के थ्रू। तो ये जो प्लांट्स बड़ी हाइट पे जाके लगते हैं दूसरे प्लांट पे, उसका मेन पर्पज होता है सनलाइट को पाना, ताकि वो अच्छे से अच्छे फोटोसिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट चीज देख सकते हैं, इन्होंने जिन रूट्स के थ्रू यहाँ पे पकड़ बनाई है, इन रूट्स में एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, तो जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के अलावा वाटर की भी जरूरत होती है, तो वाटर ये जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर में उसी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसमें मदद कौन करता है, इनकी रूट्स में प्रेजेंट वेलामेंट टिश्यू। तो यहाँ पे भी ऑर्किड्स जो है हमारे वो कमेंसल हो गए और बड़े प्लांट्स उनके लिए होस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैटल एर्गेट्स। यहां पे आप देखेंगे कैटल एर्गेट्स एक बर्ड्स हैं जिनका रिलेशनशिप है कैटल्स के साथ। अब कैटल्स जब आती हैं फील्ड में, तब ये उन्हीं के ऊपर बैठ के आ जाती हैं। अब इनको फायदा क्या होता है कि कैटल्स की बॉडी बड़ी होती है, वो लोग जब स्टरिंग कर रही होती हैं पूरी की पूरी फील्ड की चलने की वजह से, तो बहुत सारे भुनगे कीड़े वगैरह जो होते हैं वो उड़ के बाहर आ जाते हैं, जिससे इनको बड़ी मदद मिल जाती है। इनको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट नहीं करता उनको ढूंढने पे, जबकि इनकी बॉडीज पे भी आके बैठ गए वो कीड़े, अब इनको ये आसानी से खा लेती है। तो यहाँ पे कैटल एर्गेट्स हो गई कमेंसल ऑर्गेनिज्म और ये जो कैटल्स हैं ये हो गए हमारे होस्ट।
लास्ट आते हैं, ये रिलेशनशिप है सी एनिमोन जो कि एक सीलेंट डेटा है और उसके अलावा क्लाउन फिश के बीच का। तो सीलेंट डेटा के मेंबर्स में एक खास फीचर होता है जिसको कि हम कहते हैं टेंटिकल्स का होना और नीडोब्लास्ट सेल्स का होना। तो वो आप टेंटिकल्स यहाँ देख भी सकते हैं। सीलेंट ने यहाँ पे सी एनिमोन ने एक अपनी सीडेंट्री कॉलोनी बना रखी है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो एक क्लाउन फिश रह रही होती है उसको चाहिए होती है प्रोटेक्शन। तो क्योंकि उसके पास अपना कुछ प्रोटेक्शन का हथियार नहीं होता है, तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनकी मदद से उसके शिकारी जो आ रहे होते हैं उनको ये भगा देता है या मार देता है, तो बच जाती है हमारी क्लाउन फिश। इससे हमें ये पता चलता है कि क्लाउन फिश यहाँ पे कमेंसल हो गई है इन सी एनिमल्स के लिए और सी एनिमल होस्ट हो जाता है।